हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ये जो हमारा NVS TGT PGT के लिए मैंने प्रिपेयर कर रही हूँ और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं। पिछले एग्जामिनेशन में मेरे एज इट इज़ भी आए हैं राजस्थान वाले में, मैं बता दूँ। तो आप लोग इनको अच्छे से देखें, एनालिसिस वाइज रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स। और जिन्होंने न्यू स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब कर लें इसको, चैनल को, और आगे बढ़ते जाएँ। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। एक्चुअली हम ये जानते हैं इमोशंस पोएट्री इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी। लेकिन इस फिलोसफी को, इस फ्रेज की जो मीनिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया है TS Eliot ने। TS Eliot इसको नहीं मानते हैं, बिकॉज ही थॉट, TS Eliot थॉट द पोएस्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन इस पोएटिक क्रिएशन। क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिविटी का भी एक अपना टर्म दिया है इस तरह से। तो इसमें आपका बन जाएगा कि वर्ड्सवर्थ के इस फिलॉसफी को, इस पोएट्री डेफिनेशन को किसने रिजेक्ट कर दिया था, दैट इज TS Eliot, थॉमस स्टर्न एलियट, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड। प्रीफेस तो द लिरिकल बैलाड, देखिए लिरिकल बैलाड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1800 सेकेंड एडिशन। देखिए फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में, सेकेंड एडिशन आया था आपका 1800 में, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन आपका आया था 1803 में, एंड द लास्ट एडिशन आपका आया था 1805 में। स्टूडेंट, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लिरिकल बैलाड। लेकिन अब इसके बाद इन्होंने जो पूछा है ना, प्रीफेस कब ऐड किया, तो वो सेकेंड एडिशन में किया। याद रखना 1800 का जो था उस टाइम सेकेंड एडिशन आया था। लिरिकल बैलाड क्या है, पब्लिकेशन है, बुक पोइट्री कलेक्शन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ये भी हमें इसमें याद रखना होता है। फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1798 में, और ये जो प्रीफेस इन्होंने ऐड किया था ना, ये एक एसेज के रूप में था, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। अभी इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा है, बाकी दो आ जाते हैं हमारे, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक, फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट पोइट है, रोमांटिक पोइट है। इनका लाइफ स्पैन 1770 से लेकर 1850 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है इनका लाइफ स्पैन, ऐसे ही हमको पता होना चाहिए। कॉमन भी है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट है उतने कॉमन, जैसे हमको शेक्सपियर पता होता है, ऐसी वर्ड्सवर्थ भी पता होना चाहिए। इनका जो बर्थ प्लेस है कोकर माउथ UK है, और डेथ प्लेस आपका राइडल माउथ UK है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इनका पहला पोएटिकल वॉल्यूम है। बाकी जो वर्क हैं देखिए वो भी इन्हीं के ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक ओड है, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी ओड है, एंड द प्रिल्यूड इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मी द मीनिंग फ्लावर द ब्लो कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइक टू डीप्स फॉर टीयर्स। ये जो कोटेशंस आपकी है, किसने कही है, हु सेड इट। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, इनमें से जो है वो आंसर गलत है, क्योंकि इसमें इसका आंसर है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की ये कोटेशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, कि टू मीन द मीनिंग फ्लावर द ब्लू कैन गिव थॉट्स मी टू ऑफन लाइक टू डी फॉर टीयर्स। मीनिंग फ्लावर से आप कीवर्ड लगा के इस कोटेशन को याद रख सकते हैं, और ये इन्होंने यूज़ किया था। ये जो आपको कोटेशन मिलेगी, इनका जो पोएट्री वर्क है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन, ये एक ओड है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन में हमें ये लाइन मिल जाती है स्टूडेंट, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूसीज पोयम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू। तो देखिए अ पोयम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, इनकी सीरीज आई थी, सीरीज कह लो या ग्रुप कह लो, 5 लिरिक्स की, लिरिक्स यानी छोटे छोटे गीतों की 5 लिरिक्स थे, उसकी सीरीज थी, तो वो कहलाती है ल्यूसीज पोयम। और ये ल्यूसीज पोयम जो इन्होंने लिखी थी 1798 से 1801 के बीच में लिखी थी, और इम्पॉर्टेंट है ल्यूसीज पोयम किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सैड द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये किसने कहा है, द पोएट इज़ अ मैन, एक मैन जो स्पीकिंग टू मैन, यहाँ प्लूरल मैन है या सिंगुलर मैन है। सो द करेक्ट आंसर इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए ये आपका पोयम जो आया था, सॉरी जो वर्क आया था 1802 में, लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन, बहुत
इम्पॉर्टेंट है, अभी तक सबको याद भी हो गया होगा, लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन कब आया था, 1802 में आया था। उसमें ये जो इन्होंने प्रीफेस ऐड किया था ना, वहाँ हमको ये कोटेशन मिलती है, द पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताए तो कीजिए, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, आपको कितने आते हैं इनमें से, कितने आपके सही निकले और आपको कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। क्या ये क्वेश्चंस आपने कहीं और भी पढ़े हैं प्रीवियस ईयर्स के, या इतना एनालिसिस आपको कहीं और मिल रहा है ऐसे करके। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज़ एसोसिएटेड विद, अब लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ये किससे कनेक्टेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ से कनेक्टेड है। लेक पोएट्स कहलाते हैं चार, देखिए तो उनमें से वर्ड्सवर्थ भी एक थे, और ये वो प्लेस है जहाँ पर ये लोग कुछ समय तक रहे थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे एंड थॉमस टी क्विंसी, ये लेक पोइट कहलाते हैं, जिसमें से थॉमस टी क्विंसी बाद में रहे थे, लेकिन वो भी लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे थे, तो वो भी लेक पोइट कहलाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में है, ये भी याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, अपनी किस पोयम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर हमको देखने को मिलते हैं इनकी, तो करेक्ट आंसर इज बी, लाइंस रिटन अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे इन शॉर्ट में बोला जाता है, बाकी इसका फुल टाइटल यहाँ जो लिखा है इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइंस रिटन अबव टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट द ऑटोबायोग्राफिकल पोयम द प्रिल्यूड, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, मैनी एग्जामिनेशन प्रिल्यूड से क्वेश्चन आते ही है। प्रिल्यूड के साथ जो पॉइंट बनते हैं वो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसमें 14 पार्ट हैं इसके, इस पोयम में जो इनका वर्क है इसमें 14 सेक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रिल्यूड में ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। इसका अनदर टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, और इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था 1798 में, पर ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था 1850 में इनकी डेथ के बाद, पोस्टमिसली, और इनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया था मैरी, और मैरी ने ही ये टाइटल दिया था द प्रिल्यूड इनके इस वर्क को। तो ऑटोबायोग्राफिकल है, लाइफ टाइम इसे ये लिखते रहे, देख सकते हैं स्पैन इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड के और भी जहाँ से आपको पॉइंट मिले वो भी याद कर लीजिएगा, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया था, पोस्टमिसली। A thing of beauty is a joy forever, ये opening line है। A cursing, ये आपको मिलेगी Endymion में, Endymion is a work by John Keats, John Keats का work है Endymion, जिसकी ये quotation है, quotation wise भी question आ जाता है, और पर ये opening line भी है इस work की, ठीक है। Endymion जो poem work है इसका opening line है, A thing of beauty is a joy forever, publish हुई थी ये 1818 में, Endymion जो work है 1818 में publish हुआ था, ग्रीक मिथ पर आधारित है, और ये जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स की बात कर लें, लाइफ स्पैन है 1795 से लेकर 1821, और जॉन कीट्स जो है यंग इंग्लिश पोइट कहलाते हैं, 1821 में इनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन कीट्स डेडिकेटेड Endymion टू, अब इन्होंने Endymion जो लिखा है उसको डेडिकेट किसको किया है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटर्टन, इंपॉर्टेंट है Endymion टू थॉमस चैटर्टन, जैसे द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज को एड्रेस करके लिखा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीट्स पोयम ला बेला डेम सेंट मर्सी इज व्हाट, तो ये कीट्स की जो पोयम है एक बैलेड है इसमें, और इसका जो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क 1819 में बाय जॉन कीट्स, ओके, ला बेला डेम सेंट मर्सी बाय जॉन कीट्स। द ईयर 1819 जो ईयर था वॉज अ कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर, कल्मिनेटिंग मीन्स होता है टॉप, पीक टाइम, ठीक है, जो इनके करियर का पीक टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा इनको जब सफलता मिल रही हो, तो दैट इज़ कल्मिनेटिंग पॉइंट इनके करियर का रहा, दैट इज़ 1819, क्योंकि 1821 में तो इनकी डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स, ओके, तो उसके दो साल पहले का जो टाइम था बहुत टॉप का इनका लाइफ का पॉइंट था और पीक टाइम था। देखिए इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जॉन कीट्स के लाइफ स्पैन 1795 1821, ओके, मोअर गेट लंदन में जन्म हुआ था, रोम इटली में मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से, यंग इंग्लिश पोइट कहलाते हैं ये, ओके, जॉन कीट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज के 15 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं, आई होप आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स।
डेफिनेटली मिलेगी। और आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए तैयारी करें। जनरल पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर है लिटरेचर इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा, उसकी भी तैयारी अच्छे से करें। कोई डाउट्स हो कुछ अलग से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये आपको इस लेसन में और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, फॉर शेयरिंग एंड फॉर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।